तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अनबॉक्स करके दिखाया था आपको एडिडास लाइट रेसर शू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट जूते का रिव्यू पहनकर भी दिखाया था। और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एडी स्टार 3.0 मॉडल, जो कि मैंने एडिडास इंडिया ऑथराइज साइट से परचेज किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एनके कॉन्सेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं और रिव्यू करने जा रहे हैं एडिडास का एडी स्टार 3.0, जो कि मैंने adidasindia.com से ही परचेज किया हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बॉक्स है इसके ऊपर लिखा हुआ है adidas.co.in। तो मैंने एडिडास से परचेज किया है और ब्लू डार्ट कुरियर ने मुझे आज ही ये डिलीवर किया है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, मुझे 66% डिस्काउंट के बाद ये मुझे पड़ा है 1360 रुपये का, जिसमें डिलीवरी चार्जेस और टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पॉलीथीन को पहले से ही कट कर लिया है। आप देख सकते हैं adidas.co.in लिखा हुआ है। अगर आप कंपनी की साइट से परचेज करते हैं तो आपको ये सब डिटेल्स मिलती हैं। ये मेरा जो बिल है आप देख सकते हैं 1360 में मुझे पड़ा है, 3999 उसका MRP था। तो दोस्तों, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं पॉलीथीन को हटाता हूँ, उसके बाद एक इस तरह का बक्सा मुझे मिलता है, जिसके ऊपर एडिडास की पूरी ब्रांडिंग की गई है और एडिडास के लोगोज़ वगैरह इस पर दिए हुए हैं, और जहाँ से परचेज किया है उस साइट का नाम भी इस पर लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स में फर्दर ओपन करता हूँ तो आपका जो टिपिकल एडिडास का बॉक्स होता है वो मुझे देखने को मिलता है। इसे बॉक्स में बाहर निकाल लेता हूँ और इस बॉक्स पर क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी वीडियो में तो आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसकी जो फोटोज़ इमेज वगैरह है मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है ओरिजिनल बक्से के ऊपर। तो ये इसका जो मेन MRP का लेबल है और बाकी जो बार कोड है, बाकी डिटेल्स दी हुई थी, इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ और इस तरह का जूता मुझे देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, मैं ये 100% श्योर है, जो एडिडास की ऑथराइज साइट के ऊपर आपको जो फोटोज़ देखने को मिलती हैं और रियल शू में कोई भी माइनर डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम है। वीडियो में भी, और वीडियो में तो थोड़ा सा आपको डल नज़र आ रहा होगा कलर, मगर इससे ज़्यादा ब्राइट है। आप देख सकते हैं सोल में भी इसमें ब्रांडिंग की हुई एडिडास की। और आपको बता दूं मैं, इसकी जो सोल है वो डबल लेयर सोल है। थोड़ा सा पास से दिखा देता हूं मैं, इसमें जो सोल है वो डबल लेयर में बनाई हुई है। नीचे जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हल्का है, और नीचे जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही सॉलिड है। तो इस जूते की पॉजिटिव पॉइंट ये है यार कि बहुत ही रफ एंड टफ है, आप क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, कोई आपको इशू नहीं होगा। उसके अलावा अंदर जो लेयर है इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें एक स्टिकर दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ मेड इन इंडिया, और मैंने 8 नंबर का जूता खरीदा है, UK 8 साइज है। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, इसके अंदर की सोल है, इनर सोल के अंदर भी आपको एडिडास की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इतना रफ एंड टफ है, आप कोई भी गेम खेलें नीचे से इसकी सोल घिसेगी नहीं, मगर उसकी वजह से एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी इसमें आ गया है। इस सोल की वजह से इसका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, बहुत ही लाइट जूता नहीं है, थोड़ा सा वजन है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा है।